आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 4। तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, वी कैन एसोसिएट ए नंबर, दैट नंबर कैन बी रियल कॉम्प्लेक्स, दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे और यहाँ पे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर जो है वो एसोसिएट होगा। मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे वो कौन सा नंबर एसोसिएट हो रहा है, और उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को, कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1, 2, 3, 0, और इसका डिटर्मिनेंट का मीनिंग है ए डिटर्मिनेंट, और इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। ये जो दो लाइनें लगाई हैं ये मॉडुलस नहीं है, ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स को भी मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया है। आप डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ये डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि हमने मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें डिटर्मिनेंट को हमने एवेल्युएट करना है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिटर्मिनेंट जो है, जो आपकी बुक में है, वो 2x2, 3x3 का मीनिंग है स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट किसकी फाइंड हो सकती है? स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर उसमें एक एलिमेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा, मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1, लेट अस सपोज करो, तो इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहता हूँ, तो मेरा इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 1। अगर मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर कितना है? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर आपको, आप 2x2 थोड़ी बोलेंगे, आप 2 ही बोल सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो दिस इज 2x2 या सेकंड ऑर्डर की है। ऑर्डर कितना है इसका? कितना ऑर्डर है? 2। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये देखें क्या मेथड इसका, ध्यान से देखें। आपने इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई, फिर आपने माइनस करना है, और इन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, और जो आपके पास आंसर आएगा वो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो दिस इज द नंबर एसोसिएट दिस मैट्रिक्स नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। समझ आ गया? एक और ले लेते हैं कोई एग्जांपल। ये मैट्रिक्स है, मैं मैट्रिक्स लेना ऑर्डर 2 की, 3, 1, -1, 5। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले इसे लिखेंगे कैसे? 3, 1, -1, 5। क्या मेथड बताया? दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 5, फिर आपने माइनस लिखना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या आया ना? -1। बस ये याद रखना, कई बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, ये माइनस जो है वो फार्मूले के कारण है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लिखना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस करना है, और मेरे पास ये आंसर आ गया, 15 + 1 = 16। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन फिर से ध्यान से देख लें, इसे आपने स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया था, डिटर्मिनेंट को आपने ये दो लाइंस है इसे रिप्रेजेंट करना है,
अगर आपने ये गड़बड़ की तो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। चलिए, ये मैंने जो बेसिक 2x2 डिटर्मिनेंट है वो बताई है। अब हम करेंगे कि 3x3 मतलब जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 होगा उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए इसे नोट कर ले, फिर आगे करते हैं। अब हम करेंगे अवैल्यूएशन ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जिसमें देखिए 3 रो हैं 3 कॉलम हैं। तो 3x3 की जो मैट्रिक्स है उसका हमने डिटरमिनेंट जब फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को ही एक्सपेंड करेंगे। पहला मेथड तो ये याद रखें, जब भी हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स का तो उसके सिर्फ एक रो या एक कॉलम को एक्सपेंड करना अपने, और उसे आप कैलकुलेट करें, जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 3 रो हैं 3 कॉलम है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 6 वे हैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के। तीन रो को एक्सपेंड कर सकते हैं, 3 कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने किसी एक रो या किसी एक कॉलम को पकड़ना है और उसे हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रो को ही पकड़ रहा हूँ, तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट मुझे इस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए, ये आ गया 3 -1 -2 0 -1 3 -5 0। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे। मैं ऐसा करूँगा, पहले ना 1x1 करता हूँ। फर्स्ट रो को हम एक्सपेंड कर रहे हैं और मैंने इसमें जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं उनको एक्सपेंड करना है। कितने एलिमेंट है? 3। पहले मैं आपको 1x1 इन एलिमेंट्स को एक्सपेंड करके बताता हूँ, फिर जब हम नेक्स्ट करेंगे फिर हम ऐसे नहीं करेंगे, फिर हम सीधे ही करेंगे। तो मैं पहले 3 को एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। जब मैं 3 को एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास 3 का रो और 3 का कॉलम डिलीट हो जाएगा, याद रखना 3 का रो का कॉलम डिलीट। तो मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो 3 को एक्सपेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर, जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, -1 की पावर m प्लस n, m स्टैंड फॉर रो n स्टैंड फॉर कॉलम। तो यहाँ पे जब 3 है, 3 का रो कौन सा, 3 का कॉलम कौन सा है? 1, रो भी 1 और कॉलम भी 1। फिर मैं मल्टीप्लाई में लिखूँगा डिटर्मिनेंट, और ये रो और ये कॉलम डिलीट, जो एलिमेंट बनेंगे वो आपकी 2x2 डिटर्मिनेंट बनेगी, दैट इज 0 -1 -5 0। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फिर हम सेकंड का लेंगे, सेकंड मेरे पास है -1 एलिमेंट, फिर यहाँ पे फार्मूले में है -1 की पावर m प्लस n, m कितना बेटा, रो कितनी अभी और कॉलम कौन सा है, और मल्टीप्लाई में डिटर्मिन आएगी, कौन सी डिटर्मिन आएगी, उसके एलिमेंट क्या आएंगे, कि आपने ये रो नहीं लेनी और ये कॉलम नहीं लेना। तो मेरे पास आ गया 0 -1 3 और 0 सेकेंड एलिमेंट। अब मैं थर्ड एलिमेंट को एक्सपेंड कर रहा हूँ, थर्ड एलिमेंट है -2 और फार्मूले में आएगा -1 की पावर m प्लस n, m कितना यहाँ पे, रो 1 ही रह रही है, कॉलम कौन सा हो गया 3। अब क्या करूँगा कि ये जो एलिमेंट है -2 इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो -2 का रो नहीं बेटा और उसका कॉलम नहीं, मेरे पास बच गया 0 0 3 -5। तो मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट हैं उन तीनों एलिमेंट्स को मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, ये मेरा क्या आएगा डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट 3
मल्टीप्लाई है तीनों आपस में, माइनस वन की पावर टू दैट इज प्लस, इसे सॉल्व करना है। क्या मेथड है? पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो माइनस लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन और माइनस माइनस फाइव और माइनस वन फाइव, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड माइनस वन एज इट इज, माइनस वन की पावर थ्री अगेन माइनस, इसे सॉल्व करो जीरो माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस थ्री, ये आपने ध्यान देना है। प्लस थर्ड एलिमेंट ये क्या है, माइनस वन की पावर फोर दैट इज पॉजिटिव वन, लिखें या नहीं लिखें, इसे सॉल्व करो जीरो माइनस फाइव, फिर माइनस जीरो, और यहाँ पे ये आ गया माइनस फिफ्टीन, ये आ गया माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस, ये भी प्लस और ये जीरो, तो ये कितना आ गया। तो इस प्रकार हम जो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर थ्री होगा उसे हम इस मेथड से एक्सपेंड करेंगे, समझ आ गया? Yes, चलिए नोट करें फिर आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है कि आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, आपने शो करना है कि 2 मल्टीप्लाई ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हमारे पास पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 मल्टीप्लाई ए का क्या मीनिंग है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ए क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पे वो कह रहा है 2A का डिटर्मिनेंट, मतलब पहले 2A का, तो 2A क्या है, A को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 2A दैट इज 2, अब क्या आ गया 2, दिस इज 2A। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को किया माइनस किया, अब हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई ए डिटर्मिनेंट, पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 2 4 2, हाँ जी करें, 1 × 2 2 माइनस, 4 × 2 माइनस 6। तो अब हम इस करेंगे 4 मल्टीप्लाई ए डिटर्मिनेंट, मतलब ए जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, करो और हम देखते हैं कि 2A का डिटर्मिनेंट जो है वो 4 टाइम A के डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो अब आपको मल्टीप्लिकेशन करने में कोई फर्क, मतलब कोई आपको दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को ध्यान से देखना है कि वो क्या क्वेश्चन में दे रहा है, क्या आपने फाइंड करना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स है, ठीक है जी। तो ये 4.1 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, 2x2 जो मैट्रिक्स है, स्क्वेयर मैट्रिक्स, याद रखना कि आप सिर्फ स्क्वेयर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, वो ऑर्डर 2 हो या ऑर्डर 3 हो, क्योंकि आपके जो सिलेबस है वो ऑर्डर 3 तक ही है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 4.2 है, वो बेस्ड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको मिलेगा। तो चलिए इसे नोट कर लो, फिर प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। देखिए जी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो 3 प्रॉपर्टी मैंने लिखी हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट्स की, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, ये पहली प्रॉपर्टी। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बताता हूँ, ये एक मैट्रिक्स है, मैं डिटर्मिनेंट ले रहा तो डिटर्मिनेंट लेते हैं, मैट्रिक्स पे रहने देते हैं, बार बार वो डिटर्मिनेंट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये
मान लो एक डिटरमिनेंट है 2/2, तो इसे एवेल्यूएट करें, 1 × −1, फिर माइनस लगाएंगे, 5 × 2 कितना आ गया, −11। अब प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मैं ए डैश ले लेता हूँ, इंटरचेंज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाता हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो मैंने रो को कॉलम बना दिया। अब चेक करते हैं कि जो इसकी वैल्यू है क्या सेम है, 1 × −1, फिर माइनस, 2 × 5 कितना आ गया, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूफ होगी कि आप कॉलम को रो या रो को कॉलम में चेंज कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोज है, जब हम इंटरचेंज करते हैं रो को कॉलम में, तो वो होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रो या कॉलम, ठीक है, रो बात करते हैं पहले, इफ एनी टू रो आर इंटरचेंज, एनी टू रो, सभी नहीं, ओनली टू रो आप इंटरचेंज करें तो उसका साइन कहता है चेंज हो जाएगा। यहां पे पूरा का पूरा डिटरमिनेंट चेंज कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है तो सेम रहेगा, लेकिन किन्हीं दो रो या रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी लेकिन उसका साइन फर्क में आ जाएगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पे एक डिटरमिनेंट ले रहा हूँ 3/3, 1 0 −1 2 3 5 1 0 1, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वैल्यूड करें, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो पहला आ गया 1, तो ये रो नहीं ये कॉलम नहीं, आपके पास क्या आएगा 3 5 0 1, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे −1 की पावर m + n, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो तो 2, −1 की पावर 2, दैट इज प्लस, आगे 0, तो इसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब 0 आ गया जहाँ जो मर्जी आएगा मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, इसलिए सेकंड एलिमेंट का आप आंसर 0 ही आएगा। प्लस थर्ड क्या एलिमेंट है, −1, और इसकी मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, ये रो नहीं ये कॉलम नहीं, क्या आएगा 2 3 1 0, साथ में यहाँ पे फार्मूले के कारण आना था −1 की पावर m + n, तो यहाँ पे m कितना है, रो 1, कॉलम कितना 3, तो 1 + 3 जैसे 4, −1 की पावर 4, दैट इज़ प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस आया, वो मैंने लिखा ही नहीं। सॉल्व करके देखें कितना आ गया, 3 − 0, ये 0 छोड़ दो, ये −1, 2 0 और −3, कितना आ गया 3 + 3 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि तीन रो हैं, किन्हीं दो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंज उनकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, बोलो किसे किस में चेंज कर दूँ, मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दूँ, ये 0 3 0 1 2 1, और ये वही रहने देते ऐसे, तो मैंने क्या किया कि ये जो C1 है और C2 है, column 1 और column 2, एक कॉलम वाइज कर दिया मैंने, चाहे कॉलम वाइज करो चाहे रो वाइज करो उसमें कोई नहीं, अगर रो भी आप दो कॉलम चेंज कर देंगे तब भी वैल्यू में फ़र्क आएगा, अगर दो रो चेंज करोगे तब भी आएगा, तो मैंने यहाँ कॉलम चेंज किए, तो ये कॉलम इधर आ गया बेटा, ये इधर चला गया। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, करो एक्सपेंड, तो पहला 0 बेटा, तो 0 को एक्सपेंड करने पर आपका जो भी आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट ये कौन सी पोजीशन है, m कितना है 1, n कितना है, और साथ में मल्टीप्लाई 1, और डिटरमिनेंट क्या आएगी कि ये वाला रो ये वाला कौन सा है, ये रो ये कॉलम, तो 3 0 5 1 3 0 5 1, आगे प्लस −1 की पावर m + 1 m 1 + 3
साथ में क्या है, ऐसे देखो थर्ड एलिमेंट है माइनस वन, ये आएगा माइनस वन, लेकिन फार्मूला ये कहता है यहाँ पे कि माइनस वन की पावर m प्लस एन आना है, तो माइनस वन की पावर m यहाँ पे कितना है, वन, और n कितना है, और ये माइनस वन ये वाला जो मल्टीप्लाई में है, आगे ये वाला रो और ये वाला कॉलम नहीं आएगा, 3201 सॉल्व करके देखें, ये माइनस वन की पावर 3 है, माइनस आ जाएगा, इसे सॉल्व करो, 3 1 3 0 5 आगे माइनस वन की पावर 4 प्लस आगे क्या है, इसे सॉल्व करो, 3 1 और तो ये आएगा -3 -3 दैट इज माइनस, तो यहाँ पे 6 क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव होगी कि जब आप दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उनकी वैल्यू सेम रहेगी बट उनका साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस। चलिए थर्ड क्या है, इफ रो आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इज जीरो, किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर उनके एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम हुए तो उसकी वैल्यू जीरो हमने मान लेनी है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ पे ये एक डिटरमिनेंट है 101 2 3 1 तो 101 ये एक डिटरमिनेंट है जिसका फर्स्ट रो और थर्ड रो के जो एलिमेंट हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, तो इनका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, जीरो, आप करके देखना आपको जीरो ही मिलेगा, जी समझ गए, या कोई दो कॉलम होंगे, कॉलम के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं दे आर आइडेंटिकल, यहाँ वन है यहाँ वन, यहाँ टू यहाँ टू, यहाँ वन है यहाँ वन, तो उसकी वैल्यू क्या हम लेंगे, जीरो। ठीक है जी, तीन ये हैं, नेक्स्ट तीन और बच गई वो करते आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर देखें, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय अ कॉन्स्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाय के, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो मतलब वन रो या वन कॉलम देन मल्टीप्लाई बाय ए कॉन्स्टेंट और उसकी जो वैल्यू है उस डिटरमिनेंट की वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो ये एक डिटरमिनेंट है 1 3 -2 5 प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इसका एक रो जो है इस डिटरमिनेंट का जो एक रो है उसे मल्टीप्लाई करो किसी कांस्टेंट के साथ, मैंने मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो रो को मल्टीप्लाई करूँ 2 6 -2 5 ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 5a ऐसे किया मैंने, कितना 5a 15 -2 5 एक ही रो को किया मैंने, इसकी क्या वैल्यू, अब मल्टीप्लाई किया मैंने एक ही रो को, अब इसकी वैल्यू चेक करें, 25 प्लस 30 क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, एक डिटरमिनेंट थी उस डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया हमारे पास आ गया उसकी वैल्यू 11। हमने क्या किया कि किसी एक रो के एलिमेंट को हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, किसी एक रो को
हमने उसकी वैल्यूएशन की, वैल्यू निकाली, और हम वैल्यू निकाल के देखते हैं कि एक्चुअल में वो जो वैल्यू हमने मल्टी जो कॉन्स्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया था वो पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है ए की। अब मैट्रिक्स में क्या था, अब आपको थोड़ा नहीं समझ आया, इसी को ले लेते हैं, इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ। ये मैट्रिक्स में क्या होता था कि जब हम इसे किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते थे वो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता था, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में अगर वो कॉन्स्टेंट कोई स्केलर किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसका मीनिंग है कि वो जो कॉन्स्टेंट है जो स्केलर आपने लिया वो सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा, सभी मतलब एक रो के, जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट। अब मैट्रिक्स के हिसाब से हमने जाना था हमें पाँच को जो है ना सबके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए था। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइव और आ जाना है, ठीक है। तो अगर एक और आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव का स्केयर हो जाएगा। तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया, दो बार। तो कहने का मतलब कि जितना इसमें ऑर्डर होगा उतने इसकी पावर में चलता जाएगा। दो ऑर्डर हैं तो अगर आप सबके साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ फाइव जो कॉन्स्टेंट आपने किया है, अगर मान लो के हैं, मैं के ले लेता हूँ सपोज करो, तो अगर ये डिटर्मिनेटर इसका ऑर्डर टू है तो सबके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर थ्री ऑर्डर है इसका, इसका ऑर्डर टू है और इसका ऑर्डर थ्री है अगर, तब क्या आ जाएगा, तो इसके भी इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। सेकंड क्या कह रहा है कि सम आर ऑल एलिमेंट्स, कुछ या सारे ऑफ ए रो, एक रो के कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस इन सम ऑफ टू आर मोर टर्म्स। सपोज करो कि किसी, देखो तो ये एक डिटर्मिनेंट है ए वन प्लस लैम्डा वन, ए टू लैम्डा टू, ए थ्री प्लस लैम्डा थ्री, ये है वी वन वी टू वी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। ये एक डिटर्मिनेंट है जिसके कहते हैं सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो। इस डिटर्मिनेंट का एक रो के कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट एक रो के, वो दो टर्म के रूप में लिखे गए हैं, सिंगल टर्म में लिखे, दो में लिखे गए हैं। तो इस प्रकार की डिटर्मिनेंट को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दो डिटर्मिनेंट में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दो में। कैसे, एक हम लिखेंगे जो ये एलिमेंट हैं ये वाले ए वन ए टू ए थ्री, और बाकी जो सेकंड रो थर्ड रो के एलिमेंट हैं वो सेम रहेंगे। बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो में वो हम सेकंड ऐसे लिख देंगे और बाकी एज इट इज। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर फाइव, ठीक है। किसी रो के एलिमेंट्स दो की फॉर्म में हैं, दो हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ दो टर्म्स लिखी हैं, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, तो उतने ही बन जाएंगे। यहाँ दो दो हैं तो आपके पास कितनी यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनेगी, दो। मान लो यहाँ तीन एलिमेंट होते किसी एक में तो फिर तीन डिटर्मिनेंट बन जाने थे, ठीक है। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी सिक्स, चलो इसे नोट कर लो। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स देखो, ये प्रॉपर्टी
मोस्ट मोस्टली यूज़ होती है जी, जब हम यूज़ इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग, क्योंकि हमने शुरू में मैंने बताया कि एक्सपेंड करना है किसी डिटरमिनेंट को जिसका ऑर्डर 3 है, तो उसमें तीन एलिमेंट तीनों को हमने बारी बारी एक्सपेंड किया था फिर ऐड किया था। लेकिन जब हमने इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है तो हमने एक्सपेंड नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग हमने उस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी वो वाइडली यूज़ होगी। क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, मैं यहाँ पे कोई डिटरमिनेंट ले रहा हूँ 1025, इसे भी कुछ और लेते हैं, चलिए ये एक डिटरमिनेंट ले ली मैंने। क्या कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी एक रो का कोई भी एलिमेंट, किसी रो के एलिमेंट कैन बी मल्टीप्लाई बाई एनी कॉन्स्टेंट, किसी भी रो को किसी भी कॉन्स्टेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू आर फ्री। देन आप जो मल्टीप्लाई करके वो जो रो बनेगी या कॉलम बनेगा, आप किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको करके बताता हूँ, ये एक डिटरमिनेंट लिखी मैंने, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 5 - 6 - 1, 1 - 2 - 5 और 2 - 3 - 6 माइनस करना था, -1 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो फर्स्ट रो है या सेकंड कॉलम ले लेते हैं, सेकंड कॉलम को मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ। सेकंड कॉलम के ऊपर क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ ध्यान से देखना, मैं C2 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि C2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से और फिर उसे ऐड कर रहा हूँ C1 में। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि C2 जो कॉलम है उसे मैं 2 एक कांस्टेंट उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर मैं C1 में ऐड कर रहा हूँ, यही ऑपरेशन कह रहा है ये कि एनी रोज एनी कॉलम उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर उस रो को मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉलम या रो आएगी वो किसी दूसरी, अगर कॉलम का है तो कॉलम के साथ ऐड करना है, अगर यहाँ पर रो होता था रो के साथ ऐड करना था। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर रहा हूँ, फिर हम देखेंगे एवेल्यूट करते हैं कि वाकई इसकी वैल्यू मेरे को फ़र्क आता कि नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशन किस में लगा रहा हूँ, इसमें, लेकिन इसमें लिखना नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ लिखना नहीं है, 3 - 5 ही आएगा। अब आपने इसे मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर कितना आ गया, इसमें ऐड किया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, इसे 2 से किया इसमें ऐड किया, ये ऑपरेशन लग गया। अब आप इसे एवेल्यूट करके देखिए, करें जी 7 * 5 = 12 - 3 दोनों की वैल्यू सेम आई, समझ आएगी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी प्रकार मैंने 2 by 2 की ली है, यहाँ पे आप ऑर्डर 3 की भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार ऑपरेशन लगा सकते हैं, आर में लगा देते हैं, चलो R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। R1 में क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि R2 को ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 में R1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 और किस में ऐड कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पे देखिए इसी को ले लेते हैं। तो R1 में मैंने ऑपरेशन लगाया 3 से मल्टीप्लाई किया और R2 में, तो इसमें मैंने कुछ नहीं करना, इसका रो ऐसे रहेगा। अब इसे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें कर दिया ऐड, तो ये ना ऑपरेशन हुआ बेटा, ये सर R2 आएगा, R2 आएगा, ऊपर सॉरी भी ऐसे आएगा, नहीं ऊपर तो C2 में किया मैंने, ऊपर मैंने C2 में नहीं किया ऐड, तो C2 में ऑपरेशन लगा ना, जैसे C1 में लगा था C1 पे लगाया ऑपरेशन, तो सॉरी C1 में लगाया तो फिर यहाँ C1 आना था, ठीक है। तो यहाँ पे R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो R1 में कोई ऑपरेशन लगाया तो उसके एलिमेंट एज इट इज। अब इस R2 में क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि R2 में 3 R1 ऐड कर रहा हूँ, मतलब इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो 3 इसमें कितना आ गया, 3 - 3 - 9 - 5 लग गया ऑपरेशन ये वाला। आप इसे इवेल्यूएट करके देखो 114
माइनस फाइव थ्री कितना आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि ऐसा प्रॉपर्टी यूज़ करने पर उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छी तरह लर्न करना है, प्रैक्टिस करिए। कल हमने 4.2 एक्सरसाइज के ऊपर ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी।